हाई ऑल माई नेम स्क्रीना एंड आई होप यू आर डूंगी वेल सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले है अबाउट एवरी थिंग दैट यू नीड बिफोर योर डिसम्बर ट्वेंटी फोर टम एंड ऑल्सो मैंने ट्राई किया है जो भी आप लोग ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है या फिर डीएम किया है उनका जवाब भी मैं इस वीडियो में दे दू एंड ऑल्सो अगर आपके पास और क्वेरीज है आप मुझे डीएम कर सकते हो और मैं इंस्टाग्राम रीना झा नाइन एंड ट्रस्ट मी शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊ पर वी... मैं देख लूंगी और वीडियो में तो डाल ही दूंगी एज यू मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो मंडे टू फ्राइडे में एकदम पैक होती हूँ सैटरडे संडे जो थोड़ा टाइम मिलता है बहुत ज्यादा डीएम हो जाता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती बट ऐसे ही जैसे इस वीडियो में मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट वैसे ही हर वीडियो में कवर कर दूंगी ठीक है सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पांच चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबने पूछा भी है वो मैं कवर करूंगी सबसे पहले कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि ग्रुप देना है और टाइमलाइन क्या है कि कब तक आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर लो कि आपको इस अटेम में सिंगल ग्रुप देना है कि ब्रोथ ग्रुप देना है सेकेंड है मॉड्यूल कैसे पर बहुत जन ने पूछा है तो इसका जवाब भी दे दूंगी थर्ड है राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है फोर्थ है PYQs, scanner solving, या फिर past year paper solving कैसे करनी है, है, मैंने जब से summary notes का mention किया है, बहुत जन मुझे बता, मतलब पूछ रहे हैं कि summary notes क्या है हम कहाँ से हमें मिल सकता है तो इस वीडियो में ट्राई करूंगी एवरी मैं कवर कर लू सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है कि सिंगल ग्रुप देना है कि ग्रोथ ग्रुप सी मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है आपको अगर बोथ ग्रुप देना है टू एंड हाफ मंथ इज द मिनिमम सेल्फ स्टडी दैट यू रिक्वायर्ड और एक ग्रुप देना है तो वन एंड मंथ इज द मिनिमम सेल्फ स्टडी दैट यू रिक्वायर्ड यानी कि अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका ये जो क्लासेस अगर अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो रहा है तो यू आर इन गुड पोजिशन आप नवम्बर डिसम्बर पर के एक ग्रुप दे सकते हो लेकिन आपको अगर दोनों ग्रुप देना है आपको मेक श्योर करना है कि अभी जो हमारा सेप्टेम्बर एंड है ना तब तक ही आप अपना क्लासेस कंप्लीट कर दो अगर आपका सेप्टेम्बर एंड तक कंप्लीट नहीं हो रहा है क्लासेस तो आप एक काम कर सकते हो आप सिर्फ ग्रुप वन दो तो आप क्या करो आप अक्टूबर तक चाहिए तो सारा जो भी आपका लेक्चर है कंप्लीट कर लो अक्टूबर एंड तक लेकिन नवंबर में सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ना ये गलती मैंने की थी मैंने अक्टूबर एंड तक अपने क्लासेस चलाए थे और मैं नवम्बर में ये कर रही थी कि मैंने सारे सब्जेक्ट मतलब दोनों ग्रुप अच्छे से पढ़ रही थी मुझे ना दोनों में एग्रीगेट से फंसी क्यों क्योंकि एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं मुझे तो एकदम मैं नहीं हो जाएगा नहीं होता है मंथ में सिर्फ एक ग्रुप हो सकता है ढंग से तो लास्ट में ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार सिर्फ एक एक ग्रुप अच्छे से पढ़ लेता एटलीस्ट निकल जाता ये मेरा रिग्रेट था हमेशा से तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप ये रिग्रेट मत करना चाहे तो अक्टूबर एंड का क्लासेस जा रहा है ठीक है तब सिर्फ एक ग्रुप पढ़ो और आपको पढ़ना भी है दो ग्रुप मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले आप एक ग्रुप का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो ठीक है फिर ही दूसरा ग्रुप उठाना एंड ऑल्सो जिसको बोथ ग्रुप करना है और वो चाहते हैं कि ठीक है मेरा क्लासेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आप सेप्टेम्बर एंड से क्लासेस देखना बंद कर सकते हो और चाहिए तो दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर लो सेल्फ स्टडी लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप सेल्फ स्टडी से कर पाओगे तो ही आगे बढ़ना बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको दोनों ग्रुप देना है टू एंड एंड हाफ मंथ्स इज द मिनिमम दैट यू रिक्वायर्ड ठीक है स्पेशली प्रोफेशनल में हो तो टू एंड ए हाफ मंथ्स क्या थ्री मंथ्स होता है बट ठीक है आप टू एंड एंड हाफ मंथ्स भी ले सकते हो आई होप दिस हेल्प यू टू डिसाइड आपको एक ग्रुप देना है दो ग्रुप देना है या गर, अगर अगर अक्टूबर एंड द क्लासेज चल रहा है तो क्या करना है फिर सेकंड है मॉड्यूल कैसे पढ़े सो so, मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे मॉड्यूल से बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक होती थी मैं सोचती थी मैं कैसे पढ़ूँ सो so, मैंने मैं सबसे पहले अपने क्लासेस नोट्स पे ध्यान देती थी यानी कि आई वुड सजेस्ट आप लोग को भी कि चाहिए तो पहले क्लासेस नोट्स से पढ़ाई कर लो फिर उसके बाद हम मॉड्यूल से सिर्फ सिव उतना पढ़ेंगे जो हमारे क्लासेस नोट्स में नहीं है एंड अगर कोई मॉडल से डायरेक्टली पढ़ाई कर रहा है, अगर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है आई वुड सजेस्ट आप पूरा मॉडल रीड कर लो लेकिन उसके साथ ही आपको हर पॉइंट के पांच कीवर्ड्स या फिर पांच लाइन ही मार्क करो क्योंकि मॉडल बहुत ज़्यादा बड़ा है आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते कोई भी नहीं पढ़ता ठीक है आई नो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो क्लियर हुए हैं ऑल इंडिया रैंक आए हैं उन्होंने भी पूरा मॉडल ए टू जेड को ही नहीं पढ़ता तो बताती क्या करता है लोग सबसे पहले वो लोग क्लासेस के नोट्स उठाते ठीक है उसको पूरा रीड कर लेते हैं ठीक है फिर स्कैनर लेते हैं स्कैनर से देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोग उसको मार्क करते हैं ताकि एग्जाम से पहले वो टॉपिक मिस ना हो ठीक है ये ऐसा हो गया ये क्लासेस नोट स्टीट किया स्कैनर कंप्लीट कर लिया अभी मॉड्यूल उठाते है लोग और मॉड्यूल में देखते हैं कि जो हमारे क्लासेस नोट्स और स्कैनर में नहीं था अभी मॉड्यूल में सिर्फ उतना पार्ट रीड करते हैं मॉड्यूल हर चीज डिफिकल्ट होती है लेकिन यहाँ पे तुमने मेजर चीज पढ़ ली तुम्हें वो पार्ट मॉड्यूल में रीड नहीं करना अभी तीन चार कंसेप्ट जो क्लासेस वालों ने इजी शब्द में नहीं लिखा है तुम यहाँ आके रीड कर लो और ये भी नहीं कि रीड करना है लर्न नहीं करना है आपको यहाँ पे अगेन से पांच वर्ड्स मार्क कर लो आप चाहे तो अपने क्लासेस नोट्स में ही ऐसा लिख दो मॉडल क्वेश्चन या फिर एक बुक बना लो मॉडल क्वेश्चन करके वहां पे लिख लो तीन चार चीज बस इतना ही आपको मॉडल ऐसे ही रीड करना है तो ऐसे आप आराम से मॉड्यूल कवर कर सकते हो एज आपने मेजर चीज जो इजी लैंग्वेज में क्लासेस नोट्स में कंप्लीट कर ही ली है एज मैंने तो मेजर पढ़ाई अपनी सी प्रोफेशनल द क्लासेस नोट से ही किया था सिर्फ जो मेरे क्लासेस नोट्स में नहीं था वही पार्ट मैंने मॉडल में कवर किया था ठीक है सो so ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन फिर उसके बाद था कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें सी आई वुड सजेस्ट रिसेंट दो अटेम्प के जो सजेस्टेड आंसर आई से फ्रीली मिलता है अब वो डाउनलोड करके आराम से एक रख लो और छे तो मोबाइल में एक फोल्डर बना लो ठीक है या फिर आप स्कैनर खरीद सकते हो लेकिन स्कैनर में भी एकदम जो रिसेंट होगा यानी कि ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री का ही या फिर ट्वेंटी फोर तक जो एक अटेम्प हुआ है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है और एक क्वेश्चन देख के लिखना है यानी कि एकदम कॉपी पेस्ट ही करना है आपको सिर्फ एक आंसर लिखो कॉपी पेस्ट करके ऐसा क्यों बोल रही हूँ अब कंटिन्यूसली थर्ड डेज तक सेम चीज लिखते रहो जब आप लिखोगे ना एंड में थर्टी फर्स्ट डे में तब आपको खुद को समझेगा हाँ ये पहले क्वेश्चन में लोग ने कैसा लिखा था कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे आंसर लिखना है आपको कुछ ज्यादा लोड ही लेना कि कुछ भी कैसे लिखू बिना देख के लिखू नहीं अभी ये वाले एटलीस्ट ये वाले मंथ में तो पूरा देख के ही लिखो क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखना क्वेश्चन रीड कर लो आंसर देख के लिख लो एक आंसर डेली बस मैं क्यों बोल रही हूँ एक आंसर डेली क्योंकि कुछ कुछ आंसर बहुत बड़े हैं आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना

मैंने बहुत जन को देखा है क्योंकि हम सुन लेते हैं कि स्कैनर करके जाओ कुछ लोगों को एग्जामिशन आ जाते हैं सिक्सटी प्लस आ जाते हैं सी मैंने रिसेंट में मैं आपको बता रही हूं ऐसा नहीं होता है ठीक है इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैनर सॉल्व करना पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है आपको लगता है कि पूरा पेपर उसी से आएगा मैं आपको एक ये मैंने नोटिस किया है आईसीएसआई का जो 40 और 60 का है ना हमारा बाइफ्रिकेशन दिया है यूजुअली लोग 40 मार्क्स ना कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट करेंगे स्कैनर करेंगे लेकिन कभी देखना नोटिस करना आईसीएसआई ने इस पार्ट में कभी भी प्रीवियस अटेम्प्ट से नहीं पूछता वो कुछ नया ही पूछेगा तो हम फर्स्ट जाते हैं हमें लगता है हम देखो हम करने के लिए तो सभी करते सिर्फ स्कैनर क्वेश्चन नहीं करते लेकिन हम बाकी चीज उतना परफेक्टली नहीं कर जाते तो हमारा उतना आंसर परफेक्ट नहीं रहता तो हम बाकी आंसर जो हमारे स्कैनर भी नहीं थे ना तो ये जो 40 मार्क्स के लिए ना आप उतना परफेक्ट नहीं करते तो हम यहाँ पे फंस जाते तो आपको ऐसी भी चीज नहीं करनी तो स्कैनर में मैं कैसे स्कैनर सॉल्व करती थी मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने कोई भी चैप्टर करती थी एक पूरा चैप्टर में जो जो सब्जेक्ट लिस्ट बना लेती थी उसके बाद में स्कैनर से जो दो क्वेश्चन आए ना मैं यहाँ पे मार्क कर लेती थी, थी बस मेरा काम स्कैनर से इतना ही था मैं स्कैनर पूरा टाइम रीड नहीं करती थी मैं सब कुछ एक ही बुक में रखना प्रीफर करती थी यानी कि जो भी मॉडर्न मुझे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स दिखते थे मैं क्लासेस नोट्स में मार्क कर लेती स्कैनर क्वेश्चन में क्लासेस नोट्स में मार्क करनी थी इन शॉर्ट आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो ताकि आप अलग अलग डिफरेंट बुक ना हो जाए मैं क्या करती थी स्कैनर उठाओ जो जो क्वेश्चन है क्लासेस नोट्स में मार्क कर लो दैट्स इट और अगर

सब तरीके सही है चीजें यही करनी है स्कैनर पढ़ना है अभी कैसे पढ़ना है आपके ऊपर है मैंने अपना तरीका बता दिया ठीक है लास्टली है समरी नोट्स, में नोट्स सी जब से मैंने बताया समरी नोट्स का सब मुझे पूछ रहे हो आपने कहा से रिफर किया फर्स्टली आई वुड सजेस्ट समरी नोट से मैंने चीजें लर्न करने को बोली है ना कि रीड करने को ये गलतियां बिल्कुल मत करना हाँ हमने तो देख लिया था वो समरी नोट से करके क्या अच्छा चलो हम समरी नोट से ही सब कुछ रीड करते हैं नहीं सबसे बड़ी गलती आपकी लगेगी हम रीड तो पूरा करेंगे हम सारा समझेंगे लेकिन हम सिर्फ लर्निंग के पार्ट के लिए समरी नोट्स यूज कर रहे हैं ये मैं क्लियर कर दू अभी से क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में समरी नोट्स का जिक्र किया है ताकि आप लोग गलत ना ले लो उस वीडियो में कि हमें सीधा

मैंने जो जो क्लासेस से लिया था वो लोग ही एग्जाम से पहले मैराथन लेते थे ठीक है तो जो पैरेथॉन के नोट्स थे ना मैं वो ही रिफर करती थी या फिर जो मैराथन नोट्स में नहीं है कवर और मेरे ये क्लासेस नोट्स में दिया हुआ तो था कंसेप्ट मैं खुद से पांच की बना लेती थी अभी आपको मेरे नोट्स जो भी थे में नहीं है ठीक है तो आप क्या कर सकती हो मैं अपना बताती हूँ येस अकेडमी आ, ये इंस्पायर क्या जहां से मैंने किया है तो आप क्या कर सकते हो इनका मैराथन देखो नीचे ये उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी लेकिन मैं आपको अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं मैंने उन्हीं का समरी नोट्स और सब कुछ किया था जिनसे मैंने क्लासेस लिया था या फिर जिनका मैं वीडियो देख रही थी ऐसे रैंडमली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है ठीक है अगर आप समझो येस yes, अकेडमी से आपने क्लासेस लिया अब उनका मैराथन देख रहे हो तो उन्होंने जो समरी नोट्स दिया है आप उससे से कर सकते हो या फिर सबसे सेफेस्ट वे